अरे दोस्तों, वेलकम टू सीजनल गार्डनिंग। नवंबर का मंथ चल रहा है और विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। तो विंटर सीजन में गुलाब के पौधे की देखभाल यानी केयर कैसे करें, कौन सी खाद डालें, तो आज का वीडियो आपको आखिरी तक देखना होगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में जल्दी मिल पाएगा। दोस्तों, आप सामने इतना सुंदर सा जो गुलाब देख रहे हैं, ये शेडेड गुलाब का प्लांट है और ये काफ़ी सुंदर गुलाब है और ये देसी गुलाब से अलग होता है। शेडेड गुलाब में काफ़ी तरीके की वैरायटीज़ आती हैं और काफ़ी कलर्स आते हैं, तो आपको जो पसंद हो आप नर्सरी से लेकर आइए और अपने घर पर इसको लगाइए। तो शेडेड गुलाब और देसी गुलाब में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? तो देसी गुलाब का जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है और बहुत आसानी से उग जाते हैं, लेकिन शेडेड गुलाब का जो प्लांट होता है वो आपको बहुत ही कम नर्सरियों में मिलेगा। ये अब तो इसकी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, पहले नहीं मिलता था ये। तो इसका जो फ्लावर का साइज़ ही होता है काफ़ी बड़ा होता है और जब इसकी जो बड़ होती है यानी कली होती है उसका भी साइज़ अच्छा बड़ा होता है, और जब ये खिलता है तो काफ़ी शेडेड्स में यानी काफ़ी कलर्स की जो इसकी पत्तियाँ होती है काफ़ी कलर्स वाली होती है। तो शेडेड गुलाब को ही इसे ही बोलते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी जो महक होती है, खुशबू होती है, काफ़ी अट्रैक्ट करती है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार पौधा होता है ये। तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो नर्सरी से लेकर आइए और ज़रूर लगाइए शेडेड गुलाब का पौधा, क्योंकि मेरे यहाँ तो काफ़ी वैरायटीज़ के गुलाब लगे हुए हैं, देसी गुलाब्स और इंग्लिश गुलाब, और अब मैं शेडेड गुलाब भी लगा लिया है। शेडेड गुलाब में अब मैं और भी कलर्स आगे आपको लेकर आऊँगी, आपके लिए नए वीडियोस बनाऊँगी शेडेड गुलाब्स के प्लांट्स के भी। तो दोस्तों, कौन सी खाद डालें शेडेड गुलाब के पौधे में? गाय के गोबर के कंडे की खाद जो होती है वो बहुत ही प्योर खाद होती है, वो हमारे पेड़ पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ये खाद ज़रूर आप ट्राई कीजिए। अगर आप मिलावटी खाद लेकर आ रहे हैं या मिट्टी गोबर मिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल मत कीजिए, गाय के गोबर के कंडे की कीजिए, काफ़ी अच्छी खाद होती है। जो प्योर खाद होती है इसे आप 5 लीटर की बाल्टी के पानी में गाय के गोबर के एक कंडे को भिगो दीजिए रात में, और सुबह इस खाद को अपने पेड़ पौधों में यूज़ करिए। काफ़ी आपके पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे और इसकी जो ग्रोथ नहीं बढ़ रही होगी वो भी बढ़ने लग जाएगी। तो शेडेड गुलाब में तो ये था फर्क मैंने जो आपको बता दिया देसी गुलाब और शेडेड गुलाब में। अगर और इसका प्राइस क्या होता है, इसका प्राइस आपको 150 से 200 के बीच में पड़ता है और ये काफ़ी वैरायटीज़ में आते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया है, और अगर आप इसकी थोड़ी बार्गनिंग करेंगे तो 140-130 तक ये लग सकता है। और इसमें काफ़ी शेडेड्स होंगे, इसमें पत्तियाँ जो होती हैं वो कलरफुल आती है, अलग अलग रंग की आती है, अलग अलग शेडेड्स में आती हैं। अब अगर आप शेडेड गुलाब को मल्टी कलर में लाना चाहते हैं तो मल्टी कलर में भी अवेलेबल रहता है नर्सरी में, आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए शेडेड गुलाब का पौधा, क्योंकि ये जो देसी गुलाब है उनसे बहुत अलग प्लांट है और इसमें काफ़ी जो इसकी ग्रोथ होती है वो भी बहुत जल्दी बढ़ती है। अगर आप इसमें 3 मंथ में खाद दे रहे हैं अगर देसी गुलाब में, तो आपको इसमें 6 मंथ में खाद देना होता है, ज़्यादा इसमें खाद भी नहीं लगती है। 6 मंथ में खाद दीजिए और इसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी। तो अगर आप देसी गुलाब में खाद देते हैं 3 मंथ में, इनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है, लेकिन 6 मंथ में इसमें खाद देते हैं तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसकी छटाई ज़रूर करते रहिए। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और शेडेड गुलाब का पौधा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।